ऑल राइट स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक इशू जो कि बहुत सारे बच्चों का इस समय डाउट है. अगर हमें प्रिपेयर करना है आईआईटी जेई के लिए तो क्या 7 महीने काफ़ी हैं, और अगर 7 महीने काफ़ी हैं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ड्रॉपर्स. ठीक है, इस बार हम क्या बात कर रहे हैं, ड्रॉपर्स. ठीक है, 12th क्लास के बच्चों के लिए वी विल टॉक अबाउट अ बिट लेटर. सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर्स. 7 महीने में आप तैयारी कैसे करेंगे. आई एम काउंटिंग मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर. ठीक है, तो मैंने इसको 22 वीक की स्ट्रेटजी बनाई है, जो कि 22 वीक कैसे हुए मैं आपको वो बता देता हूँ. 22 वीक मैंने मान के चल रहा हूँ 1 सितंबर से 1 फेब तक. ठीक है, तो अगर इसको आप नोटिस करोगे तो ये कुछ 22 हफ्ते बनते हैं. ठीक है, हमारा टारगेट है इस 22nd वीक तक हमारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए. यू आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट हेयर, राइट, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो करना शुरू कर दिया है. सो ऑलमोस्ट 5% ऑफ योर सिलेबस इज ऑलरेडी कवर्ड. नाउ द टारगेट इज टू कवर द रिमेनिंग एंड हाउ यू शुड डू इट. सो दीज आर द मंथ्स दैट यू हैव, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. सो इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होंगे, एक तो जो फुल ड्रॉपर्स हैं, फुल ड्रॉपर्स, और एक हो गए पार्शियल ड्रॉपर्स. ठीक है, तो पार्शियल ड्रॉपर्स मैं उनको मान रहा हूँ, वो बच्चे जिन्हें CBSE दोबारा लिखना है. ठीक है, आई एम नॉट काउंटिंग पार्शियल ड्रॉपर्स आर दोज विच आर बेसिकली गोइंग टू कॉलेज. तीसरी बल्कि कैटेगरी कर देते हैं, ड्रॉपर्स विच आर गोइंग टू कॉलेज ऑल्सो. तो देखा जाए ये वीडियो इन दोनों पहले सेक्शंस के लिए ज़्यादा यूजफुल है, कॉलेज वालों के लिए स्ट्रैटेजी काफ़ी अलग हो जाती है, बट दे कैन ऑल्सो फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रैटेजी से यू हैव टू कवर क्लास 11th एंड 12th टॉपिक्स, राइट, 11th एंड 12th के टॉपिक्स आपको करने. एंड वॉट आई हैव सीन इज दैट क्लास 11th इज जनरली दैट यू पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, आपको उसका ज़्यादा कुछ याद नहीं है, काफ़ी भूल चुके हो. 12th अभी भी फ्रेश है क्योंकि CBSE के एग्जाम्स भी देके आए हो, तो काफ़ी फ्रेश है. तो आप क्या कर सकते हो, मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या है कि आप सितंबर, अक्टूबर और आधा नवंबर, इसमें आप किसी भी तरीके से 11th ख़त्म कर दें. ठीक है, जिसमें PCM तीनों खत्म करनी है. ठीक है, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इस बार की स्ट्रैटेजी ये ना करें कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, वेटेज क्या है, वेटेज कम है. वेटेज के हिसाब से अभी पढ़ाई करने का समय नहीं है, वेटेज के हिसाब से पढ़ाई होती है जब आप फरवरी के महीने में पहुंच जाते हैं. अभी तो आपको पूरा सिलेबस करना है. सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर अप योर माइंड, यू हैव टू कंप्लीट दी सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस करना है. ठीक है, दूसरा इसमें दिक्कत क्या आती है कि सर कंप्लीट तो करेंगे बट जेई मेंस और जेई एडवांस मैनेज कैसे करें, जेई मेंस एंड एडवांस मैनेज कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एडवांस के क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. सो PCM, सो सबसे पहला यहाँ पर फंडा, सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि आपको सबसे पहले 1 वीक शेड्यूल बनाना है. 1 वीक, सो 1 वीक शेड्यूल क्या कहता है मेरा, 1 वीक शेड्यूल टारगेट क्या है, 1 वीक 1 चैप्टर, 1 वीक 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट. दिस इज द शेड्यूल, इफ यू कैन फॉलो आपका इजीली सारा सिलेबस मेरे हिसाब से फरवरी तक खत्म हो जाएगा. तो मैं यहां तक बल्कि मान के चल रहा हूँ कि 1 फरवरी. ठीक है, हद से अगर आप थोड़ा और इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं डिले होता है तो 15th फेब, इससे ज्यादा डिले हम नहीं मान के चलते. सो हमारा टारगेट होता है 1 वीक 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट. तो देखा जाए 3 चैप्टर्स इन टोटल दैट यू हैव टू फिनिश इन अ वीक, 3 चैप्टर्स ये टारगेट होना चाहिए आपका खत्म करने का. अगर इतना कर रहे हो तो मान के चलो कि काफी अच्छी स्पीड चल रही है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में भी आप ऐसे कर सकते हो कि इसकी डेडलाइन रख दो 20th नवंबर, इससे ज्यादा डेरे तक आप 11th को क्रॉस नहीं करेंगे. 21st नवंबर से यू स्टार्ट. सो दिसंबर, जनवरी और ये जो बीच का समय दिया 10 दिन यहां, 15 दिन यहां, यहां पर आप अपनी खत्म करेंगे 12th सिलेबस. ठीक है, 12th सिलेबस. इसमें स्पेसिफिकली क्या कर सकते हो, जो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको आप शिफ्ट कर सकते हो इधर नीचे, और यहाँ जो 12th की फिजिकल होती है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो. तो फिजिकल आप सारी खत्म कर लेना इसी वाले ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक को हम शिफ्ट कर देंगे जनवरी वाले फेज में, क्योंकि वो रट्टा मारना है, जितना लेट रट्टा मारेंगे उतना ज़्यादा अच्छा याद रहेगा. ठीक है, मार्च और फरवरी जो बचा आपका आफ्टर 15th फरवरी, सो वॉट इज द टारगेट, दैट नाउ यू जस्ट हैव टू डू रिविजन एंड टेस्ट, रिविजन एंड टेस्ट, दैट्स इट. The entire thing will be like this. In March, हम तो इसमें पूरा क्या करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट, कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट, दैट्स इट. और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट टेस्ट एनालिसिस, दिस इज वॉट इज द टारगेट हेयर. ओके, ये हमारा कंप्लीट फ्लो चार्ट है कि कैसे करना है. मैंने आपको टारगेट समझा दिया, टारगेट क्या है, 1 वीक 1 सब्जेक्ट,
वन चैप्टर पर सब्जेक्ट, सो आराम से खत्म हो जाएगा। दूसरी बात आती है सर जेई मेन्स और जेई एडवांस को हम कैसे कवर करें। सो जेई मेन्स और जेई एडवांस में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करनी है, ठीक है। इन अ वे आपका अगर जेई मेन्स का टॉपिक खत्म हुआ है बट आपका ये वीक खत्म हो गया है तो आपको एडवांस करना है नहीं करना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। सो फॉर एग्जांपल आपने मंडे को एक चैप्टर वन शुरू करा और वो संडे तक, अगले संडे तक, मंडे को आपने शुरू करा संडे तक आपका जेई मेन्स ही चलता रहा, तो क्या मैं एडवांस करूं या ना करूं? तो इसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये तो नहीं हिलना चाहिए किसी भी हालत में। तो अगर हम कहते हैं वन वीक वन चैप्टर पर सब्जेक्ट, तो वो एटलीस्ट जेई मेन्स तो कवर होना ही चाहिए। एडवांस अगर रह जाता है तो उसे हम पाइपलाइन में रखेंगे, ठीक है। उसमें हम इतनी टेंशन नहीं लेंगे कि भाई हमें एडवांस भी करना है उसी चैप्टर का, तो क्योंकि अगर आप एडवांस करने बैठ गए तो इसका मतलब आपका एक आगे वाला चैप्टर जो है बैकलॉग में चला जाएगा। सो दिस ईयर प्लीज डू नॉट दिस एरर ऑफ मेकिंग बैकलॉग्स। सो अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो आपका बैकलॉग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। सो प्लीज़ डू नॉट मेक बैकलॉग्स। अगर एडवांस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ा इसका मतलब क्या है, आपको एफर्ट ज़्यादा मारना है। वो आपका डिटरमिन करेगा कि आप कैसे आगे तैयारी करेंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपना पहले जेई मेन्स लेवल का कोटा पूरा कर लें। और इसमें अगेन आई एक फोकस की बात करेंगे, आई हैव टू फोकस हियर दैट प्लीज़ डिटरमिन व्हाट इज़ योर टारगेट। टारगेट आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से डिसाइड करें, जेई मेन्स वर्सेस एडवांस, जिसकी एक वीडियो बनाई थी मैंने, दैट वाज द रीजन व्हाई आई मेड द वीडियो एट द फ्रंट दैट यू शुड नो व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर। सो अगर आपको पता है कि यार मेरी रैंक इस साल बहुत ज़्यादा पीछे है या फिर मैं अभी उतने लेवल पे पहुंचा ही नहीं कि मैं डायरेक्ट एडवांस कोई क्वेश्चंस कर पाऊं, तो आप जो वीक का टारगेट है उसमें सिर्फ जेई मेन्स ही उस चैप्टर का कवर करें, एडवांस ना कवर करें। नहीं तो कोई चैप्टर ही खत्म नहीं होंगे, कोर्स ही खत्म नहीं होगा, टाइम बहुत कम है, ठीक है। इट इज़ बेटर कि हम पहले एक बार कंसोलिडेट करके पूरा काम कर लें रादर देन एक चैप्टर का एडवांस ढंग से कर लें और बहुत सारे चैप्टर करें ही ना, तो वो स्ट्रैटेजी ख़राब है, वो स्ट्रैटेजी से आपका रैंक नहीं आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक वीक की स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिटेल में कर लें जल्दी से, तो वन वीक स्ट्रैटेजी इज कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है मेंस और एडवांस। दिस कुड बी बाय योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, जरूरी नहीं है पास रिजल्ट को देख के आप ये लोग काम करें, आप अपनी स्पीड के हिसाब से भी अपने आप को मेजर कर सकते हैं। क्या आप स्पीडली काम कर पा रहे हैं जिसमें आप मेंस और एडवांस उस चैप्टर का उसी समय कवर कर पा रहे हैं? सो इसमें स्पीड आप मेजर कर सकते हैं अपनी। दूसरा टारगेट क्या है कि एक जो हफ्ते का दिन होगा, जैसे संडे मान लीजिए, संडे नाइट जो होगा या सैटरडे नाइट, वॉट एवर जो भी आप लेना चाहें, संडे नाइट तो वैसे हम लोग मिलते हैं हर बार, बट संडे नाइट इज जस्ट फॉर रिवीजन, जहां आप पूरा हफ्ता जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे। रिवीजन इज मस्ट, प्लीज डू नॉट डू दिस एरर कि आपने रिवाइज कुछ नहीं करा, पढ़ते जा रहे हो नई नई चीजें पढ़ते जा रहे हो, वो ना करें, रिवीजन इज मस्ट वन डे। सो लेट्स से जनरली इंस्टीट्यूट्स में ऑल ओवर इंडिया क्या होता है, मंडे टेस्ट होता है, ठीक है। सो मंडे टेस्ट और आप इसमें कोई दिन चेंज कर लो, एक दिन टेस्ट जरूर लेना है। टेस्ट किस लिए देना है? जस्ट टू डू टाइम मैनेजमेंट, जस्ट टू डू टाइम मैनेजमेंट। उसमें आप अपने स्कोर मत देखिएगा, हो सकता है स्कोर अभी अच्छा ना आए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है, टाइम मैनेजमेंट, स्कोर बाद में देख लेंगे, अभी स्कोर देखने की जरूरत नहीं है कि मैं टॉप कर रहा हूँ, मैं लास्ट आ रहा हूँ। जस्ट सी दैट वेदर यू आर एबल टू कवर एंटायर पेपर इन थ्री आवर्स और नॉट, दैट इज द मेन स्ट्रैटेजी टेस्ट एनालिसिस पे, और दूसरा टेस्ट की एनालिसिस पे ध्यान दें, ठीक है जी, ये काम करना है। तो अगर इस का हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो आराम से आपका 1 फरवरी तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, फरवरी मार्च आपका निश्चिंत होकर गुजरेगा। अब जो जैसे दूसरी कैटेगरी थी पार्शियल ड्रॉपर्स, पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए अच्छी बात क्या है, सो पार्शियल ड्रॉपर्स जो है उनके लिए पूरा ये देखो, नोटिस करो, सिंस हम लोगों ने यहाँ इस फेज में 12th करा है और वो CBSE दोबारा देना चाह रहे हैं, सो CBSE का उनको पेपर कब देना है, फरवरी या मार्च, अभी बात चल रही है कि फरवरी एंड में हो सकता है इस साल पेपर हो, बट देर इज अगेन नो श्योरिटी। तो अगर फरवरी एंड या मार्च में पेपर हो रहा है तो हम फरवरी में पूरा फ्री हो गए हैं, हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, और अगर हमने 12th लास्ट में करी तो ये CBSE में भी हेल्प करेगा। तो इसका मतलब मान के चलो मैथ्स में तो 90% सिलेबस खत्म हो गया आपका, ठीक है, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है आपकी CP में ऑलमोस्ट आप मान के चलो 50% सिलेबस हो गया, क्यों, आपको सिर्फ डेरिवेशन ही तो एक्स्ट्रा करनी है, तो वो फरवरी के महीने में आराम से हो जाएंगी, आपका बोर्ड बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। सो इन दैट वे दिस स्ट्रेटेजी इज मेड जस्ट कि इससे पार्शियल ड्रॉपर्स भी काम कर लें और दूसरा बच्चा भी आराम से काम कर ले। जस्ट टू कट दिस शॉर्ट वीडियो नाउ, अगर हम सीधा मुद्दे की बात पे आए, हमें करना क्या क्या है, बी रियलिस्टिक इन सेटिंग गोल्स, ठीक है। जो हमने मेन्स और एडवांस लेवल की बात करी, दिस इज व्हाट, प्लीज नाउ इट इज हाई टाइम दैट सेट अ रियलिस्टिक गोल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पास रिजल्ट देख के एडवांस का सपना निकाल दें, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है,
पर गो स्टेप बाय स्टेप, आप जीरो पे खड़े हैं, जीरो से सीधा एडवांस नहीं जाया जाता, पहले मेंस पे जाएं और मेंस से एडवांस पे जाएं, ये स्ट्रेटेजी रखें। दूसरा, यू बी वेरी वेरी फोकस्ड, देयर इज नो हॉलीडे और फेस्टिवल ब्रेक फॉर यू, ठीक है। तो अगर हम इसमें पढ़ाई के आवर्स की बात कर रहे थे, स्टडी आवर्स, स्टडी आवर्स की अगर आप बात करते हो तो आपको बीइंग अ ड्रॉपर मिनिमम 10 से 12 घंटे डेली देने हैं, ठीक है। और अगर कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग से आने के बाद 6 आवर्स, ठीक है, कोचिंग से आने के बाद 6 आवर्स देने ही देने। तो ये हमारा एक मिनिमम टारगेट है ही। फेस्टिवल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो कि पता चला दिवाली ब्रेक आ रहा है एंड यू आर एंजॉइंग, पोंगल ब्रेक आ रहा है, ओनम ब्रेक आ रहा है एंड यू आर एंजॉइंग, दिस इज हाई टाइम, राइट, ओके। सो ये हो सकता है दिवाली है तो आप दिवाली की इवनिंग को एंजॉय करें, इफ देर इज एनी फेस्टिवल एंजॉय इट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, बट डू नॉट स्पेंड आवर्स डेज सेलिब्रेटिंग इट, देर इज नो टाइम ऑफ सेलिब्रेशन दिस ईयर फॉर यू। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वान्टिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें मैंने क्या देखा, कई बच्चे अभी भी रिसोर्सेज लेने में लगे हुए हैं, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है वो भरा पड़ा है, लोग उसमें रिसोर्सेज डालने में लगे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द पर्पस, मुझे तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो अब थोड़ा अनपर्पसफुल लगने लग गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज यू पीपल आर नॉट डूइंग द क्वालिटी वर्क ओवर देयर। वहां पर भी क्या चल रहा है, क्वांटिटी चल रही है, एवरीबडी इज शेयरिंग रिसोर्सेज, विच इज एडिंग टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अगर हम इसमें बात करें कि आपको एक हफ्ते में मेंस लेवल के भी क्वेश्चन करने हैं और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आपके पास 10 मटेरियल होंगे तो खत्म नहीं होने वाला है। टारगेट शुड बी 60 क्वेश्चंस ऑफ मेंस पर चैप्टर एंड मिनिमम 30 क्वेश्चंस ऑफ एडवांस, दिस इज मिनिमम क्राइटेरिया। ये मैं ये कोई भी किसी तरीके से ये नहीं कह रहा कि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये मिनिमम करने ही करने होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट प्रेफर डूइंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 10 किताबें करने से रैंक नहीं आने वाली है, एक किताब करने से रैंक बनेगी, ठीक है, दिस इज फार मोर देन सफिशिएंट। टेस्ट वाली बात मैं ऑलरेडी कर चुका, टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट देना है, नॉट फॉर मार्क्स। मार्क्स अभी कम आएंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं अभी यहां खड़ा हूं और मेरे को ट्रेवल करना है तो मेरा एक्सपोनेंशियल कर्व होना चाहिए, तो मैं जब पेपर के पास हूं तो मैं यहां पर स्टैंड कर रहा हूँ। उल्टा नहीं होना चाहिए कि मैं स्टार्ट तो मैंने अच्छा दिया और उसके बाद मेरा प्लेटू आ गया और फिर मैं नीचे नीचे डिग्रेड हो गया, ये वाली ट्रेजेक्ट्री हमें नहीं रखनी है। हमें ट्रेजेक्ट्री ऊपर वाली ही रखनी है, वो कब होगा, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करेंगे। सो बी वेरी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल टू गेट अ वेरी गुड स्कोर दिस ईयर इन वन ईयर प्रिपरेशन। 7 months इज हेल लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। दुनिया कहती है कि यार 24 घंटे में सब कुछ करा जा सकता है, दुनिया इधर की उधर हो जाती है, यू स्टिल हैव 7 months, 7 months इज प्रिटी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये 4 points जो हैं ये ध्यान में रख के पढ़ाई करना शुरू करें। इन केस इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, फील फ्री टू कमेंट इन दी चैनल बिलो, ठीक है, कमेंट करें, उससे हम बात करेंगे। ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो वॉज प्रोडक्टिव फॉर यू। कुछ और पूछना है बेझिझक पूछें। और दूसरा नया अगर बात करें, प्लीज़ विजिट आर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज, बिकॉज अब से रेगुलर अपडेट्स हम पहले करते थे ईमेल के थ्रू, राइट, हम लोग ईमेल का मीडियम यूज़ करते थे ईमेल, बट नाउ ईमेल से बेटर है कि आई विल प्रेफर कि आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा अपडेट करते हैं, इसमें हमारे लिए आसान है मैनेज करना। सो आई जस्ट होप दैट यू पीपल कीप सब्सक्राइबिंग मोर एंड मोर। दूसरा ये बात भी है कि सब्सक्राइब करना जरूरी है, जो मैं रीज़न बता चुका हूँ। इफ़ यू वॉन्ट दैट वी शुड कीप वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, फ्रीली काम करते रहें, प्लीज सब्सक्राइब। ऑलराइट, इट मोटिवेट्स अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई होप इट हेल्प्स। अगेन रिपीटिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे फिलअप करें, आई विल आंसर टू दैट। थैंक यू।